आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपने फ़ोन से कॉमेडी वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं एंड मैं आप लोग को कुछ इस टाइप का थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। लेकिन कॉमेडी वीडियो का थंबनेल बनाने से पहले आप लोग को इन तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, आप लोग को स्क्रीनशॉट्स अवॉइड करने हैं। मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को देखता हूँ कि वो अपने थंबनेल्स में स्क्रीनशॉट्स का यूज़ करते हैं, वो लोग अलग से अपनी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवाते हैं थंबनेल्स के लिए। तो आप लोग जब कॉमेडी वीडियो का शूट करते हैं उसी टाइम पे आप लोग थंबनेल्स के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करवा लीजिए, जिससे आप लोग के थंबनेल का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सेकेंड पॉइंट, जो मोस्टली क्रिएटर मिस्टेक करते हैं, आप लोग कॉमेडी वीडियो वाइंस वीडियो बनाते हैं तो उसमें ज़रूर दो तीन टीम्स मेंबर्स तो होंगे, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, आप लोग जब थंबनेल बनाते हैं तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि भर भर के सारे टीम्स मेंबर्स की फ़ोटोज़ आप लोग थंबनेल में यूज़ कर लेते हैं, जिससे आप लोग का थंबनेल पूरा भर जाता है एंड अच्छा नहीं लगता। इसकी जगह पर आप लोग थंबनेल में जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं का PNG या उनका फ़ोटो यूज़ करिए, जिससे आप लोग का थंबनेल और अच्छा देखने को लगेगा एंड जितना नीट एंड क्लीन आपका थंबनेल देखने को लगेगा उतना ही अच्छा आपका थंबनेल बनेगा। एंड थर्ड पॉइंट, आप लोग को अपना थंबनेल एक बार में नहीं बनाना है। आप लोग का जब एक बार में जब थंबनेल बन जाता है तो उसको PLP फाइल या PSD फाइल में सेव कर ले एंड आप लोग थोड़ा सा घूम के आइए बाहर, एक दो घंटे बाद आप लोग दोबारा से उस फाइल को ओपन करिए। देन आप लोग को बहुत सारे मिस्टेक्स का पता चलेगा कि यार यहाँ पे मैं दूसरा फॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ, इस PNG को मैं इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग अपने थंबनेल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ये थर्ड वाला पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इन तीन पॉइंट्स को तो आप लोग को फॉलो करना ही है। इसके साथ मैं आप लोग को कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन वो आप लोग को मैं थंबनेल बनाते बनाते बताऊंगा, जिससे आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो मैंने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, तो मैं जहाँ पे भी टैप करूँगा आप लोग को कुछ इस टाइप का सर्कल यहाँ पे नज़र आएगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे टैप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका साइज चेंज करना है, ये स्क्वायर साइज में अभी हम लोग थंबनेल वाला साइज इसका चेंज करेंगे। तो आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन पर आना है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आप लोग को इमेज साइज पे टैप करना है, देन कस्टम पे टैप करना है एंड यहाँ से यूट्यूब चैनल बैनर आप लोग को सिलेक्ट करना है। इससे थंबनेल का जो क्वालिटी है थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। देन यहाँ से ओके करेंगे, नहीं तो आप ये थ्री लाइन पे जब आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ से इमेज साइज पे आप लोग टैप करके यहाँ से भी साइज चेंज कर सकते हैं, अपने थंबनेल का साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से हम लोग ओके करेंगे, उसके बाद आप लोग के सामने जो भी न्यू टेक्स्ट या डिफ़ॉल्ट जो भी लिखा होगा उसको सिलेक्ट करना है, देन डिलीट के ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ से ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे टैप करके कुछ इमेजेस लेना है एंड आप लोग चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। वापस से हम लोग इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, देन यहाँ कलर के ऑप्शन पे टैप करके यहाँ से आप लोग कोई बैकग्राउंड का कलर ले सकते हैं या ग्रेडियंट में भी आप लोग कलर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इमेज का यूज़ करने वाले हैं तो मैं सारे इमेजेस ले लेता हूँ एक ही बार में इंपोर्ट पर टैप करके एक एक करके। तो यहाँ पर मैंने सारी PNGs ले लिए हैं एंड अभी आप लोग चाहे तो इसको एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने एक बार में ले लिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। देन आप लोगों को क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ पे जो PNGs का भी वर्क नहीं है उसको सबसे पहले मैं हाइड करूँगा एंड एक एक करके सभी को मैं एडजस्ट करूँगा। एंड आप लोग को लेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो अभी आप लोग देखिए कि मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ। तो ये हमारा ग्रेडियंट बैकग्राउंड है, तो इसको हम लोग सबसे नीचे रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे एंड इसको हम लोग कर देंगे टू बैक, या आप लोग कुछ इस टाइप से स्लाइड करके भी ले जा सकते थे। तो ये हमारा सबसे पीछे आ गया एंड इसको मैं पूरा फुल स्क्रीन पे करूँगा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इस वाले ऑप्शन में आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटिव साइज का, इसको आप लोग को दोनों को 100-100 कर देना है, देन ये पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा। देन यहाँ से डन करेंगे एंड इसको मैं लॉक कर दूँगा। उसके बाद हम लोग ये बिल्डिंग का जो इमेज है इसको हम लोग सही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बोर्ड एंड ये जो लिखा हुआ है पिंक कलर में इसको हम लोग सही करेंगे। तो इसमें देखेंगे आप लोग, पहले मैं इन सबको हाइड कर लेता हूँ, चलिए सब हाइड है। तो यहाँ पे देखेंगे जो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, पहले मैं इस पेड़ का फ़ोटो एंड स्कूल का फ़ोटो हाइड कर लेता हूँ एंड लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको हटा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है इसमें, इसको कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली जाना है राइट साइड में, इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप लोग को इनेबल करना है। ये इनेबल करेंगे तो देख सकते हो वाइट कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप लोग का वाइट कलर रिमूव नहीं होता तो आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है एंड यहाँ से वाइट कलर आप लोग को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से आप लोग को डन करना है। एंड मेरा तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा एंड यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस टाइप से कोने पर एडजस्ट करेंगे।
एंड लेयर वाले ऑप्शन पर जाके इसको मैं लॉक कर दूंगा। देन हम लोग का जो व्हाइट बोर्ड है इसमें भी व्हाइट स्क्रीन आ रहा है, तो इसको भी मैं सही कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग दोबारा जाएंगे इरेज कलर पे एंड इसको इनेबल करेंगे एंड व्हाइट कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया एंड जो बैकग्राउंड था व्हाइट कलर का वो रिमूव हो चुका है। देन यहाँ से डन करेंगे एंड इसको हम लोग ऊपर लाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे टू फ्रंट के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा। देन हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा लेफ्ट साइड यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, इसका एडजस्टमेंट सही नहीं है, तो इसका पहले एडजस्टमेंट सही करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम इसको हल्का टिल्ट करेंगे एंड कुछ स्टेप से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। देन हम लोग लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड इसको लॉक कर लेंगे एंड हम लोग का जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को रिलेटिव पोजीशन का, तो आप लोग को इन दोनों सेंटर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है तो ये पूरा सेंटर में सेट हो जाएगा। देन यहाँ पर ये जो हमने पीछे में एक इमेज लगाया था, देन इसको भी मैं सही करता हूँ। ये थोड़ा सा हम लोग का गड़बड़ हो चुका है तो इसको मैं सही करता हूँ पहले। देन यहाँ क्रॉप के ऑप्शन पर जाके मैं कुछ पार्ट यहाँ पे क्रॉप भी कर देता हूँ, तो अभी सही लग रहा है। एंड यहाँ पे कुछ स्टेप साइड को एडजस्ट कर देता हूँ मैं। देन लेयर वाले ऑप्शन पर जाके इसको मैं लॉक कर दूंगा एंड बाकी सारे PNGs भी मैं देख लेता हूँ लॉक है कि नहीं। देन हम लोग का जो बोर्ड का PNG इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। देन बाकी सब PNGs को भी मैं एक एक करके अनहाइड करूँगा। एंड ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क का PNG है इसका कलर चेंज करेंगे हम लोग, तो सिंपली इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाके इसको इनेबल करेंगे एंड इसका कलर जो है मैं वाइट कर लूँगा। देन यहाँ से डन करेंगे एंड इसको मैं छोटा कर लूँगा कुछ इस टाइप से, सॉरी इसका कलर हम लोग को ब्लैक करना था, यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। देन यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से रखूँगा एंडूँगा। देन हमारा जो शॉर्पनर का यहाँ पे जो काटते हैं हम लोग, शॉर्पनर बोल रहा हूँ, पेंसिल को जब हम लोग शार्प करते हैं तो ये कुछ कचड़ा बच जाता है पेंसिल का, तो ये PNGs भी यहाँ पे लगानी है। तो इसको क्रॉप करके मैं एक एक करके कॉपी करके यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे कॉपी करते हैं। देन इसको हम लोग पहले क्रॉप करेंगे कुछ इस टाइप से। एंड इसको भी छोटा करके हम लोग कुछ लगा लेंगे कुछ स्टेप से। हो सकता है कुछ PNGs में से मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर मुझे वो PNGs मिलती हैं तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। देन हम लोग का एक प्लेन का PNG था, इसको भी हम लोग अनहाइड करेंगे एंड इसका जो हम लोग कलर चेंज करेंगे, तो इसका कलर आप लोग को कलर वाले ऑप्शन से चेंज नहीं करना है। यहाँ से आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा कलर फिल्टर, इस पर जाना है एंड यहाँ पे ह्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज टाइप एंड इसका सेचुरेशन हम लोग बढ़ा देंगे। देन यहाँ से डन करूँगा एंड इसको कुछ इस टाइप से मैं रोटेट करके यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे अब हम लोग को अपना PNGs लगाना है, बट मैं कॉमेडी वीडियो बनाता नहीं हूँ तो मेरे पास तो वैसे कोई फ़ोटोज़ नहीं है, तो मैं उसी थंबनेल में से फ़ोटोज़ यानी कटआउट निकाल रहा हूँ तो वो मैं लगा देता हूँ। तो अभी मैंने जो इमेज लिया है इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग सोचेंगे यार ये तो टेक्स्ट लिखना सिखाएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोग को टेक्स्ट लिखना भी सिखाऊंगा, बट आप लोग को थोड़ा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ स्टेप्स लगा देता हूँ एंड जो भी PNGs इस बैकग्राउंड में कटआउट होकर निकली हैं वो PNGs भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई मैं PNGs प्रोवाइड करने वाला नहीं हूँ। देन ये हम लोग का कुछ स्टेप्स लग जाएगा एंड बाकी के जो PNGs है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। देन आप लोग को इस थंबनेल को सेव कर लेना है इस वाले ऑप्शन पे टैप करके एंड सेव एज इमेज पे पहले आप लोग टैप करके सेव कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग को कस्टम पे टैप करना है एंड यहाँ से अल्ट्रा सेलेक्ट करना है एंड सेव टू गैलरी करना है। उसके बाद आप लोग एक बार प्रोजेक्ट में आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट में सेव करने के लिए वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट पे आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नेम लिख लेना है एंड इसको सेव कर लेना, ठीक है। एंड सेव कर लेने के बाद आप लोग को इमेज फॉर्म में यहाँ पे टेक्स्ट लगाना है इस पर। एंड इमेज फॉर्म में कैसे टेक्स्ट लगाएंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले लेयर वाले ऑप्शन पे जाके मैं इसको लॉक कर लेता हूँ एंड हमारा एक PNG रह गया था तो मैं इसको भी यहाँ पे अनहाइड करता हूँ एंड यहाँ पे कुछ स्टेप से यहाँ पे पीछे में लगा देता हूँ एंड इसका जो सेचुरेशन है हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड इसको हम लोग कर देंगे टू बैक एंड लेयर वाले ऑप्शन पे जाके हम लोग एक लेयर इसको ऊपर कर देंगे कुछ इस टाइप से, तो हमारा बैकग्राउंड में लग जाएगा। देन इस टाइप से हम लोग का बन जाएगा एंड अभी आप लोग को दोबारा से सेव कर लेना है, मैं यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, एंड दोबारा से आप लोग सेव एज प्रोजेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग नहीं मुझे करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में सेव कर लेने के बाद अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट कैसे लिखेंगे एंड वो टेक्स्ट को आप लोग को PNG फॉर्म में लिख लेना है। देन आप लोग को वापस से इसी फाइल पर आना है, ओपन करना है अपना PLP फाइल एंड यहाँ पर आप लोग को टेक्स्ट जो भी आप लोग बनाएंगे यहाँ पर आपको एज ए इमेज यहाँ पर यूज़ करना है। एंड यूज़ कैसे करेंगे तो इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके यूज़ करना है। उसके बाद आप लोग को दोबारा पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पे आना है एंड अभी हम लोग अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो ये जो डिफ़ॉल्ट आपके सामने लिखा होगा यहाँ पे आप लोग को अपना टेक्स्ट लिख लेना है एंड यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ एग्ज़ाम
देन इसका जो हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे, ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम लोग ए बी वाले ऑप्शन पे एंड इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट भी आप लोग को उसी पैक में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कलर पे जाना है एंड यहाँ से आप लोग को कुछ इस टाइप का ब्लू कलर सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ से हम लोग डन करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम लोग स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे। देन इसको इनेबल करेंगे एंड स्ट्रोक को यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कर दूंगा, यहाँ पे कुछ 20 से ज़्यादा मैं करूँगा, 26 में रख लेता हूँ। देन इसका जो कलर है मैं हम लोग सेम सेलेक्ट करेंगे स्ट्रोक का भी, देन इसको मैं डन करूँगा एंड यहाँ से जाएंगे हम लोग शेडो वाले ऑप्शन पे एंड इसको इनेबल करेंगे एंड यहाँ से मैं ब्लर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा एंड ऑफसेट एक्स को हम लोग माइनस की तरफ ले जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड पहले इसका मैं वाइट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं कलर वाले ऑप्शन पर जाके इसका मैं बैकग्राउंड वाइट कर लेता हूँ जिससे आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। एंड देन मैं दोबारा से जाऊँगा ए वाले ऑप्शन पर एंड शेडो हम लोग दे रहे थे तो यहाँ से मैं ब्लर रेडियस को भी हल्का सा कम करूँगा एंड ऑफसेट एक्स को हल्का सा माइनस की तरफ एंड वाई को मैं थोड़ा सा प्लस की तरफ ले जाऊँगा ताकि शेडो हम लोग का नीचे की तरफ आ जाए। देन ओपेसिटी को मैं हल्का सा कम कर दूँगा। देन यहाँ से डन करेंगे एंड इसको हम लोग दोबारा से कॉपी करेंगे एंड जो हम लोगों ने स्ट्रोक दिया था इस स्ट्रोक को हम लोग कुछ बंद कर देंगे। देन यहाँ से डन करेंगे एंड इसका जो कलर है हम लोग वाइट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से एंड यहाँ से मैं कलर इसका वाइट कर लेता हूँ। देन यहाँ से हम लोगों ने जो शेडो दिया था वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको कुछ इस टाइप से इसके ऊपर रखेंगे एंड इसका जो साइज है हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं छोटा करना, आपको 2% बस छोटा करना है। 139 है तो हम लोग 137 कर लेंगे। देन यहाँ से मैं डन करूँगा एंड यहाँ से मैं जाऊँगा पोजिशन वाले ऑप्शन पर एंड इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस टाइप से। देन डन करेंगे यहाँ से एंड हम लोग दोबारा से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब जो इसका कलर है यहाँ से हम लोग थोड़ा सा येलो टोन इसको देंगे एंड यहाँ से डन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे इनर शेडो पे एंड इसको इनेबल करेंगे एंड यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज कलर टाइप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन ब्लर रेडियस को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा 5% एंड ऑफसेट एक्स को हम लोग कम करेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, एंड ऑफसेट वाई को हम लोग माइनस की तरफ ले जाएंगे। देन ये हमारा हो जाएगा। देन इसका मैं शेडो है जो ऑफ कर दूंगा। देन इसको कुछ हम लोग इस टाइप से यहाँ पर लगा देंगे। डन करते हैं यहाँ से एंड यहाँ से हम लोग पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाके इसको एडजस्ट करेंगे अच्छे से। देन यहाँ से मैं डन करता हूँ एंड इसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट में बनाया था ब्लू कलर से जो हम लोगों ने स्ट्रोक जिस पे दिया था एंड देन लेयर वाले ऑप्शन पे जाके उसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से आप लोग को आ जाना है 3D वाले टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे एंड इसको इनेबल करना है। यहाँ से ऑप्लिक वाला ऑप्शन चूज़ करना है। डेप्थ आप लोग को 1 से 2% ही रखना है तो यहाँ पे मैं 1 पे रख लेता हूँ। देन आप लोग को लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इसको डिसेबल करना है सबसे पहले एंड उसके बाद यहाँ पे जो आपका 45 डिग्री पे रहेगा इसको आप लोग कुछ रोटेट करके कुछ इस टाइप से आप लोग को एडजस्ट करना है। देन यहाँ से मैं डन करता हूँ एंड इसका मैं थोड़ा सा साइज भी कम कर लेता हूँ टेक्स्ट साइज पर जाके एंड 38 कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे 38 करता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड कर लेता हूँ। ये अभी हमारा अच्छा लग रहा है। देन इसी टाइप से आप लोग को सारे टेक्स्ट लिख लेने हैं। उसके बाद आप लोग को लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड सभी को एक एक बार सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। देन आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ए वाले में कर्व का, इस पर आप लोग को टैप करना है एंड सभी को आप लोग को 10% तक बेंडिंग दे देना है। आप लोग अपने हिसाब से कर दीजिएगा, यहाँ पर मैं 10% दूंगा। यहाँ पे हम लोग का जो टेक्स्ट है वो बन चुका है। देन आप लोग को क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे ही आप लोग इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है। देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है जो कि मर्ज का ऑप्शन होता है। देन यहाँ से ओके करेंगे एंड यहाँ से आप लोग को डन कर देना है एंड वापस से लेयर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड इस वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पे आप लोग को ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आप लोग को टैप करना है। देन आप लोग को इसको सेव करना है, बट अभी आप लोग इसको सेव एज अ PNG करेंगे। यहाँ पे सेव एज इमेज पे जाएंगे एंड सेव एज PNG यहाँ पे आप लोग का सेलेक्ट रहना चाहिए एंड सेव टू गैलरी करना है एंड दोबारा से आप लोग को 3 लाइन पे टैप करके वो PLP फाइल अभी ओपन करना है आप लोग को। तो यहाँ पे जैसे मैंने PLP फाइल ओपन किया है तो यहाँ पे जैसे मैं इंपोर्ट के ऑप्शन पे टैप करके जैसे मैंने यहाँ पे जो ये बनाया था आप लोग को जो एग्जांपल दिया था, एग्ज़ाम मैंने लिख दिया, यहाँ पे मुझे मैथ लिखना था, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने आप लोग को लिखना सिखा दिया। देन आप लोग इसी टाइप से लिख सकते हैं एंड यहाँ पे आपको एज ए इमेज यहाँ पे आप लोग जैसे यूज़ कर लेंगे तो आपका यहाँ पे टेक्स्ट भी आ जाएगा।
एंड आप लोग दोबारा से इस थंबनेल को सेव कर लीजिएगा। तो यार हम लोग का थंबनेल बन चुका है, तो अभी यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपका एक एक लाइक अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं जल्दी बनाऊंगा, तो यार कमेंट भी कर देना। एंड हाँ, सारे PNGs मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।